उज्जैन जिले में अब तक कोरोना के 15 पॉजिटिव आने के बाद उज्जैन प्रशासन ने सख्ती करते हुए पूरे मार्केट को बंद करवा दिया है। वहीं नगर निगम ने दूध, सब्जी और किराने का सामान भी घर पर ही उपलब्ध करवा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की आवाजाही सड़कों पर कम नहीं हो रही थी, इसलिए उज्जैन पुलिस ने शहर में बिना काम से घूमने वाले करीब 50 लोगों पर 188 की कार्यवाही की है। इसके लिए उज्जैन के देवास गेट के माधव कॉलेज को अस्थायी जेल बनाया गया है, यहीं पर सभी को रखा जा रहा है। यहीं से सभी को संबंधित थाने के सुपुर्द किया जाएगा। माधव कॉलेज में बनाई गई अस्थायी जेल में पहुंचने वाले लोगों को मैं समाज का दुश्मन हूं की सील भी हाथों में लगाई जा रही है। अभी लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उन लोगों को वहीं हिरासत में लेके एक अस्थायी जेल बनाई गई है माधव कॉलेज में, वहाँ पर उनको रखा जा रहा है और वेरीफाई करने के बाद में जो गलत पाया जा रहा है उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज करके उनको कार्रवाई की जा रही है। वहाँ रखेंगे अभी, वहाँ रखने के बाद में फिर उनको फिर लीगली जो बिल आउट करते हैं फिर उस तरह से बिल आउट करेंगे। अभी कितने लोगों पर कार्रवाई? अभी एग्जैक्ट संख्या तो नहीं बता पाऊंगा लेकिन 50+ हैं। सर इनमें जिन लोगों को पकड़े गए कुछ लोग इसमें दूध वाले भी थे जो गांव? नहीं, दूध वाले नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ जो अगर वेरीफाई कर रहे हैं जो गलत पाया जाएगा उसी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन से विजेंद्र यादव की रिपोर्ट।